अच्छा ये बता, इस पेड़ ने आखिरी बार किस गांव वाले को दौड़ाया था? तो पता नहीं, पता करना पड़ेगा। पता कर। अरे आगे एक कुआं है भैया, अरे आगे कुआं है भैया, अरे आगे कुआं है भैया, पीछे खाई रे, अरे पैर बचा के रखना नीचे चिकनी काई रे। तो रात का कुछ 8 बज रहा था, 8:30। तो कहा है ना बाबू साहब, 3 साल पुराना बात हो गया तो थोड़ा भुला रहे। कोई बात नहीं, टाइम छोड़िए, आप बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या था। हाँ तो हम पेड़ के पास से जा रहे थे, नहीं शायद आ रहे थे। चाचा आगे बताइए ना। हाँ तो जैसे हम पेड़ के पास से गुजरे ना, तो हमको पीछे से खड़खड़ाहट का आवाज सुनाई। हम समझ गए कि पेड़ हमारे पीछे दौड़ रहा है। हम अपना लुंगी उठाए हैं, जब भागे हैं तो सीधा घर जा कर के रुके। आपने पलट के देखा कि पेड़ दौड़ रहा है? अरे इसमें पलट कर देखने की क्या बात था बाबू साहब, हमसे 2-3 साल पहले नवल किशोर भैया को जब पेड़ ने दौड़ाया था तो उनको भी ऐसे खड़खड़ाहट का आवाज सुनाई दिया था। हमको खड़खड़ाहट का नहीं, झड़झड़ाहट का आवाज सुनाई दिया था। झड़झड़ाहट का आवाज खड़खड़ाहट से तेज होता है ना। अब आप ही सोचिए ना, जब इतना बड़ा पेड़ दौड़ेगा खड़खड़ाहट का आवाज आएगा। आपने पीछे मुड़ के देखा था पेड़ दौड़ रहा है? मुड़ के तो नहीं देखा, पर आवाज तो आया था ना। हमसे पहले जटायु को दौड़ाया था, उसको भी ऐसा ही सुनाई दिया था। खड़खड़ाहट या झड़झड़ाहट का आवाज नहीं आता, हाँ थोड़ा धमधमाहट का आवाज आता है। अब आप ही सोचिए, इतना भारी पेड़ दौड़ेगा तो धमधमा आवाज तो होगा ना। अरे आपने पलट के देखा था क्या? कुछ कुछ सुन रखे थे तो हिम्मत नहीं हुआ। क्या सुन रखे थे? अगर दौड़ते हुए आपका आंख उस पेड़ से मिल गया तो वो आपके साथ साथ आपके घर तक चला जाता है। आपके साथ हुआ ऐसा? अगर पलट कर देख लेते तो हो भी सकता था, क्योंकि हमसे पहले जिसको भी दौड़ाया उसके साथ ऐसा ही हुआ था। ना ना, हमने ऐसा दावा पहले कभी किया ही नहीं। हमारा घर का गली इतना पतला है कि उसमें पेड़ घुस ही नहीं पाएगा। पेड़ दौड़ रहा है आपने अपनी आंखों से देखा था? आंखों से तो नहीं देखा था। आपसे पहले किसको दौड़ाया? हमसे पहले शायद प्रमोद को दौड़ाया होगा। बैठ, तू उधर क्यों जाता है हर जगह? ठीक है। हम पलट कर नहीं देखे क्योंकि आगे भागते समय पीछे देखिएगा तो गिरने का डर रहता है, और ऐसे मौका पर गिरना सही नहीं होता है। चल। आप लोग मास्टर जी से मिलकर देखिए ना, वो पेड़ सबसे पहले उन्हीं को दौड़ाया था, तो 14 साल पहले। हो गहरा बहता दरिया, गहरी है ये मतलब। देखिए मास्टर जी, छोटी तेरी नाव है लेकिन बड़ा हौसला आया। मास्टर जी, मैं बता रहा हूं, इस मास्टर जी ने भी कुछ नहीं देखा होगा, सब फालतू की अफवाहें, पर ये सब मैं गांव वालों के सामने प्रूव करके रहूंगा। प्रणाम मास्टर साहब। हाँ, हम देखे थे पलट के, पेड़ हवा में 1 मीटर ऊपर था और हमारे पीछे पीछे चुपचाप चला आ रहा था। कहीं कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं, एकदम सन्नाटा। पेड़ को हवा में देखकर तो पहले मेरा गला सूख गया, तो
थूक तक नहीं निकल पा रहे थे, हिल तक नहीं पा रहे थे। पेड़ आकर हमारे पास रुक गया तो डर के मारे पहले थोड़ा पेशाब निकला, फिर आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब आंख खुली तो पेड़ अपनी जगह पे था। इससे पहले कि पेड़ कुछ कर पाता, हम अपने आप को संभाले और सीधे गांव की ओर भागे। अब इसको आपको अफवाह मानना है तो झूठी अफवाह मानिए, सच मानना है तो सच मानिए, लेकिन जो हुआ सो यही हुआ। हमारे ट्यूशन का वक्त हो रहा है, हम आज्ञा चाहेंगे। ये अपना स्कूल कैसे चल रहा है मास्टर जी? बढ़िया चल रहा है। क्यों? नहीं कुछ नहीं, डिस्ट्रिक्ट में नई डीएम मैडम आई है, थोड़ी स्ट्रिक्ट टाइप की है। मेरी काम के चक्कर में उनसे मुलाकात होती रहती है, तो पूछती रहती है कि गांव का स्कूल कैसा चल रहा है। हाँ तो ये सब हमें क्यों बता रहे हैं आप? नहीं उन्हें मिलूंगा तो मैं बताऊंगा कि स्कूल बढ़िया चल रहा है, बस अपने जो विज्ञान के टीचर है उन्हें भूत दिखाई देता है, तो आपकी कहानी सुनाता हूँ मैं उन्हें वर्ड टू वर्ड, हो सकता है मैडम को भी इंटरेस्टिंग लग जाए। पता नहीं क्या रिएक्ट करेंगी मैडम, वो तो सुना के ही पता चलेगा। नहीं चल एक चक्कर लगा शर्ट। हाँ हाँ सर मत, ऐसी स्ट्रिक्ट है मैडम, ऐसे कुछ करती नहीं।